बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। डियर फ्रेंड्स, हमने जो सुप्रीम कोर्ट के केस ला डिस्कस करने का जो हमने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है, आज उसी सिलसिले का चौथा लेक्चर है और आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट। जो जजमेंट रिपोर्ट हुई है SCMR 2023 पेज नंबर 153। ये जजमेंट पास की है बाय द ऑनरेबल जस्टिस सरदार तारिक महमूद, ऑनरेबल जस्टिस अमीनुद्दीन खान और ऑनरेबल जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, और इस बेंच को हेड किया है जनाब ऑनरेबल जस्टिस सरदार तारिक मासूद ने। और आज हम इस जजमेंट पर डिस्कस करेंगे और इस जजमेंट को समझने की कोशिश करेंगे, इसमें जो लॉ अप्लाई हुए हैं उन पर भी डिस्कस करेंगे। डियर फ्रेंड्स, तो अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आइंदा आने वाले लेक्चर से भी आप मुस्तफीद हो सकें। तो हम चलते हैं अपनी जजमेंट की तरफ, जो 2023 SCMR 153 पेज नंबर 153 में रिपोर्ट हुई है। ये जजमेंट एक्चुअली डिपेंड करती है द ओथ्स एक्ट 1873। इस जजमेंट के फैक्ट्स ये हैं, जो केस इसमें डिस्कस हुआ है, डिसाइड हुआ है, उस केस के फैक्ट ये हैं कि साजिद महमूद की शादी मसमात शाजिया आज़ाद से हुई, जिससे एक बच्ची भी है, और बाद में इस स्पाउस की तलाक हो गई। तो जो इसमें रिस्पोंडेंट है शाजिया आज़ाद, उसने सूट दाखिल किया फॉर रिकवरी ऑफ डॉवर 10 तोला सोना और फॉर रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल्स जहेज का सामान 3,20,000 का। और जब ये सूट पेंडिंग था फैमिली कोर्ट में, तब जो साजिद महमूद था उसने एक एप्लीकेशन दाखिल की और उसने ये एप्लीकेशन दाखिल की सेक्शन 8 ऑफ ओथ्स एक्ट 1873 के तहत, और उसने इस एप्लीकेशन में कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि अगर शाजिया आज़ाद और उसका वालिद ओथ पर ये बयान देता है कि जो 10 तोला सोना है वो भी इसी साजिद महमूद ने बेचा है और जो डॉवरी आर्टिकल्स हैं 3,20,000 के, वो भी साजिद महमूद के पास है, वो एप्लीकेशन पर नोटिस होता है और शाजिया महमूद वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेती है, और उस एप्लीकेशन के तहत सेक्शन 9 ऑफ द ओथ्स एक्ट 1873 के तहत शाजिया महमूद और उसका वालिद जो है वो कोर्ट के सामने ओथ उठाते हैं। और फिर लर्नेड फैमिली कोर्ट वो सूट जो है वो शाजिया महमूद के हक में डिक्री कर देती है। इस डिक्री के बाद जो साजिद महमूद है वो यूटर्न लेता है और अपील में चला जाता है और कहता है जाकर कि जो ओथ्स एक्ट है या कानून शहादत है वो फैमिली एक्ट में अप्लाईकेबल नहीं है। इस पॉइंट पर और वो अपनी जो उसने ओथ के लिए एप्लीकेशन दी होती है और जो ओथ हो जाती है उस ओथ से यूटर्न लेता है, एक्सेप्ट करता है कि मैंने एप्लीकेशन दी और मेरी वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई और उस एप्लीकेशन पर ओथ हुआ। तो इस सूट में, इस अपील में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करती है कि
सेक्शन 11 ऑफ ओथ्स एक्ट के तहत वो पार्टी जो अपोजिट पार्टी को ओथ ऑफर करती है और ओथ होने के बाद वो पार्टी जो एप्लीकेशन देती है वो बाउंड होती है उन टर्म्स ऑफ कंडीशंस पर जो उस एप्लीकेशन में लिखे हुए थे और जिन पर ओथ हुई है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये उसकी अपील जो है डिसमिस कर देती है और ये डिसाइड करती है कि जो सिजाद अहमद है जिसने ये एप्लीकेशन दी थी ओथ के लिए वो अब इस ओथ की टर्म्स ऑफ कंडीशंस पर बाउंड है। अब वो अपनी इस एस्पेक्ट से यू टर्न नहीं ले सकता। तो हम थोड़ा सा ओथ एक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ओथ एक्ट जो है द ओथ एक्ट 1873 ये जो है एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान पे होगा और ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द कोई भी सूट एक पार्टी एप्लीकेशन देती है और ऑफर करती है अपोजिट पार्टी को सेक्शन 8 के तहत कि वो किसी भी मैटर इन कंट्रोवर्सी है उस पर ओथ उठाती है तो मैं जो हूँ वो ओथ एक्सेप्ट करूँगा और उस ओथ उठाने के बाद जो टर्म्स एंड कंडीशंस होगी जो मैटर इन कंट्रोवर्सी होगी वो डिसाइड कर दिया जाए। फिर इसी ओथ एक्ट 1873 के सेक्शन 9 के तहत कोर्ट जो है वो अपोजिट पार्टी को नोटिस करती है और अगर अपोजिट पार्टी वो उसकी ऑफर जो है एप्लीकेशन देने वाले की एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर कोर्ट जो है वो ओथ उनसे लेगी, ओथ एविडेंस ऑन ओथ। एविडेंस ऑन ओथ तो वैसे ही होते हैं लेकिन उस मैटर के मुतालिक सिर्फ ओथ लेगी कि जिस जो मैटर कंट्रोवर्सी है जिसके लिए एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन देने वाले ने कहा है कि ये कसम उठा ले तो मैं ये मैटर इन कंट्रोवर्सी इसके हक में कर दिया जाए। जैसे इस केस में इस अपील में सिजाद अहमद ने एप्लीकेशन दी थी और साजिद महमूद ने एप्लीकेशन दी थी और शाजी आजाद ने एक्सेप्ट कर ली थी और उसने ओथ उठा ली थी कि मेरा 10 तोला गोल्ड डॉवर जो है वो साजिद महमूद ने बेचा है और मेरे डॉवरी आर्टिकल जो है 3,20,000 के वो साजिद महमूद के कब्जे में है। तो ये दोनों चीज़ें डिक्री हो गई इसी ओथ पर। तो इसी तरह यहाँ पर है और जो मैटर इन कंट्रोवर्सी है उस पर अगर अपोजिट पार्टी वो ओथ उठा लेती है तो सेक्शन 11 ऑफ ओथ 1873 बाउंड करता है उस एप्लीकेंट को, एप्लीकेशन देने वाले को, दरख्वास्त दाहिंदा को कि वो अपनी इस बात से बैकवर्ड नहीं जा सकता, इस बात से मुकर नहीं सकता और वो जो ओथ दी गई है उसके मुताबिक जो उस एप्लीकेशन में टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुए हैं उसके मुताबिक सूट एनी हाउ डिक्री होगा। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। तो अभी तक अगर जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हम आइंदा आने वाले लेक्चर में किसी और मौजू पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।